हमारे लिए तो सब बराबर है। हाँ। जी अच्छा। आपने आप कितनी उम्र हो चुकी है, तमाम पार्टियों का आपने राज देखा होगा। हाँ, देखा ना सत्ता में। कांग्रेस कुछ हद तक ठीक है रही। अच्छा जी, कांग्रेस ठीक थी। हाँ। और अगर प्रदेश की बात करें तब। हाँ, वो भी ठीक, तब भी और अच्छी रहेगी भाई। हाँ। सबके लिए ठीक है। अच्छा, फिलहाल यूपी में किसकी होनी चाहिए सरकार? सपा। सपा की जी। अच्छा, कांग्रेस नहीं सपा चाहिए आपको? समझे नहीं आप। हाँ। दोनों मिलकर ही लड़ रहे हैं अभी। हाँ, हाँ। फिलहाल लेकिन विवाद चल रहा है इस बार उपचुनाव में। अब देखो भाई, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हमें तो विवाद है इस बार। हाँ, अब वो सीटों का मसला अलग है, बाकी मैं तो वोट जो है तो जिसको देना है गठबंधन को। अब देखो किसको देना है वो अलग चीज है, वो वक्त बताएगा। आप कर रहे हैं, वक्त बताएगा इंशाल्लाह। अब काफी परेशान हो गए। हम परेशान नहीं हैं ना, मोदी से परेशान है आप? मोदी से ही परेशान है। फिर किससे परेशान हैं आप? हम क्यों ना परेशान है, सारे भैंसा तेजा छोड़ दें खेत खा लें। अच्छा, साढ़ भैंस से परेशान है आप? और का जो खेत वो धान बोए रहने के बीघा अम्मा मान का लागत लगा खाद बोए। हाँ। और बाल जैसे क्यों मनाई काट दी है उस वाला। अच्छा, वो तो पुण्य का काम हो गया। तो अब पुण्य का काम है तो ले जा, चार बीघा बैठा खवा, पुण्य का काम करा तब तो हम जानी। अच्छा, मतलब खवा खवा पुण्य का काम करा। माइक छोड़ के जाकर यही करें, पुण्य वाला काम करें। बिल्कुल यही करें। हाँ। पुण्य करा। हाँ। जो चार बीघा बोवाई दे, खवा जा खवावा, असान बुलवाए गाय बुलवाए खवाई दे। हाँ, गाय खवा दे, वो पुण्य हुए तो। अच्छा, 2000 रुपया ना लिए थे आप? के हम के और ससुर 2000 रुपया ना लिए थे कौनो सरकार? हमें कोनो फायदा नहीं हुआ। और क्यों फायदा नहीं है, हम कोढ़ी हैं। हाँ। कोढ़ी थे नहीं। अच्छा, मतलब आप किसी गुलामी नहीं करेंगे? नहीं। हाँ। कोढ़ी नहीं है, चले राशन कटोरा लेके राशन से भूख मांग। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। कमाई व्यक्ति आप लग रहे। कमाएंगे तो खाएंगे। हाँ। नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। नहीं, कोई देगा नहीं आपको 1 रुपया? नहीं। अच्छा, चाहिए ना? देखा ही भाजपा एकदम हारी गया। अच्छा। हाँ, भाजपा एकदम हारी गया, एकदम हारी गया। वो को वोट पाए ना। कटहरी विधानसभा में 13 नवंबर को जो है उपचुनाव होने वाला है। यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, यहाँ पर विधायकी का जो सीट है अभी खाली है और उसी सीट पर चुनाव होने वाला है। आइए यहाँ पर जनता का जो है राय लेते हैं कि इस बार किस पार्टी का लहर है, यहाँ पर जनता के बीच क्या माहौल है। नाम राम समारे है, थका बताई हूँ। एक माहौल बा आपकी? एक माहौल बा, मैं क्यों ना माहौल बा। हाँ, हाँ। कहाँ है माहौल ना आपकी? क्यों ना ही एक उठवा दी है आपकी? अरे जेका देख वो का दे दिया। हाँ, हाँ? कुछ मुद्दा तो होबे करेगी? कुछ मुद्दा ना है। हाँ। विकास का हुआ है? विकास तो बहुत होगा। क्या विकास हुआ? अरे कौन विकास होगा, सड़क ये बनवा बस नहीं विकास हुआ, सड़क कौन सरकार रहे बन रहा बस। हाँ, बस ये एक विकास हुआ। अच्छा, और ये खेत खोदने वाला विकास हुआ? कौन खेत वाला? अच्छा, वो साण वाला। हाँ, वो विकास है साण वाला, वो सबसे बड़ा विकास तो होगा। अच्छा, 2000 रुपया नहीं मिल, 2000 रुपया भी पा रहे हैं? अरे 2000 रुपया अपनी गाड़ी में डाल दिया, कटा दिया था। 2000 रुपया क्या करे हो? 2000 रुपया है नहीं भाई। हाँ, अच्छा अच्छा, पकड़ से कान करें। हाँ, बता मैं ना, 2000 रुपया आपको ना चाहिए ना? देखा यही कह दिए थे भाजपा एकदम हारी गया। अच्छा, हाँ, भाजपा एकदम हारी गया भाई? एकदम हारी गया। वो एक वोट पाए ना? अच्छा, हाँ। एक वोट नहीं पाए? ना ही ना पाए। का नाराज है? बहुत नाराज है इनका, बहुत बुरी तरह से हारी बसपा और भाजपा दोनों। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे हमने जगह जगह पे रोड बनवा दिया, 2000 रुपया दे रहे हैं। कौन सरकार रहे बनवा पेंशन दे रहे हैं? वृद्धा पेंशन ये का दिया सुई है, वो का दिया सुई है, हम का कर लिए वृद्धा पेंशन उनको? हाँ, चारों तरफ रोड बन गया है। अरे दुनिया में रोड बनी हुआ तो कौन सरकार रहे बनवाए, वही सौ बनवाई है। हाँ, सरकार रहे दुनिया में सब रोड बनवाए। अच्छा, तब किसको वोट देंगे तब आप? मोदी जी हार रहे हैं तो सपा देंगे यार। सपा देंगे? हाँ। वाह, दादाजी ने जो है अब ललकार के बोला सपा को, क्यों आप सपा को वोट देंगे बताइए? कोई फायदा है आपको सपा? सपा को वोट देंगे वैसे देंगे। अच्छा। फायदा नहीं है क्या? अच्छा, कोई फायदा करता है? सब अपने अपने कुर्सी अपने अपने जेब के लिए खड़ा होते हैं। हाँ हाँ,
अच्छा सपा को वोट देंगे आप? हम सपा को देंगे। तो बाबूजी को देख लीजिए, बाबूजी सपा को वोट देंगे, इनके अंदर जो है सपा ही भरा हुआ है, इनको और किसी भी पार्टी से विकास से नहीं मतलब है, फिर सपा को वोट देंगे आप, विकास से नहीं मतलब है। देखा पहले बसपा में भ्रष्टाचार रहा, अब भाजपा में उसे कई गुना भ्रष्टाचार हो गया। हाँ सपा में भ्रष्टाचार ना हुआ? सपा में उतना भ्रष्टाचार ना रहा। अच्छा अच्छा, इसलिए सपा को वोट दे रहे हैं। अच्छा सपा कुछ फायदा हुआ है आपको सपा से? सपा सरकार आपने देखा है? सरकार तभी आप बता सकते हैं ना आप, तो छोटे छोटे आदमी है, बाबन ठाकुर है ना, घर है धर्मगंज, कुछ आदमी इस पर और बाकी मोदी। आपका क्या मत है बताइए? मोदी वाले तो देख सकते हैं, मोदी वाले हैं, खुद कह रहे हैं हम तो मोदी वाले हैं। लगता है आपने एडमिशन करवा लिया मोदी जी के बैंक में। जी हाँ बाबू जी बैठे नहीं, मोदी से कौन फायदा हुआ, कौन सरकार से कौन फायदा हुई? हाँ ये मंदिर पर वहाँ बस है ना, वही सब जाए खाए रहे, मंदिर से फायदा ना हुआ, कौन फायदा अपने जान तो लूट लिए। हाँ बहुत पहले हम अयोध्या छोड़ दिए ना, आज 25-30 साल पहले। अच्छा मतलब बाबन लोग क्यों लूट रहे हैं? हाँ बाबन को मंदिर है, हाँ फिर ब्राह्मण ही जाते हैं वहाँ पे। हाँ वहीं डकैती छोड़ दिए थे, हाँ गए के बाद। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। अरे ऐसा ना ब्राह्मण लोग यहाँ आप दौड़ाए ले मारे ब्राह्मण लोग, वो ब्राह्मण के हिम्मत ना दौड़ाए मारे हैं। हाँ जब जो 10 मंच के चला है ते का दौड़ाए ली। सरकार तो ब्राह्मण सरकार ब्राह्मण के बाद तो ब्राह्मण को मारे ना, कहते मारे क्यों? अभी जौनपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर हो गए। अरे कानपुर में एनकाउंटर करे जा, हाँ जो चोर जो डकैत रहे उनका पूजा करी है, और जो दूसरी अकाउंट में चला वो जबान करा लिया तो क्या काउंटर हुए, उससे बदमाश हो गया कहो। अच्छा हाँ अभी बहराइच में देख रहे हैं राम गोपाल मिश्रा को मार दिया गया। अरे काजन के मार दी, हाँ उनका सरकार हेरे के मारी, शोभा यात्रा निकाले रहे मूर्ति विसर्जन तय ले जाते रहे ना जी का मारे हैं ये मारे हुए। अच्छा मोदी जी से आपको एक भी फायदा नहीं हुआ है? हमें कोनो फायदा नहीं हुआ, और क्यों फायदा नहीं है, हम कोढ़ी हैं, कोढ़ी है नहीं। अच्छा मतलब आप किसी गुलामी नहीं करेंगे? नहीं हम कोढ़ी नहीं है, चले राशन कटोरा लेके राशन को भूख मांगे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, कमाने व्यक्ति आप लग रहे हैं। कमाएंगे तो खाएंगे, हाँ। नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, नहीं कोई देगा नहीं आपको एक रुपया? नहीं। अच्छा फिर यादव जी को वोट दे रहे हैं, यादव जी को दिए हैं आपको? हम सपा के देश है, लाल जी प्रत्याशी हमारे यहाँ बढ़िया है। अच्छा ये फोन कर दिए थे तुरंत तो भर्ती भी जाता है। अच्छा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हुए, हाँ हाँ अच्छा लाल जी के देते आपको, उतनी उनकी पत्नी जो है लड़ रही है चुनाव। क्यों सोहेल मुला लाल जी तो है, हाँ हाँ लेकिन मोदी 30-35 साल की बात कर रहे हैं, चाठी में हरारू रही टीका लगा दे कहा कि अक्सर 51 रुपया दे। अच्छा अब एकदम मारे पुतारू है ये, टीका लगाओ पे अब बताओ मारे पुतारू है ये पंडा लोग है, है? अकेले काउ कर जिसम नारायण कहन कर ले तो हर समय बढ़ा और हम ये है अकेले आप दहाड़े रहे हैं का करी मैं खड़ा रहन। अच्छा 10 रुपया ले लो 20 रुपया ले लो कहाँ 51 से कम ना ले। अच्छा छठी में हरा रही है कि हम रहन भैया, एक से 51 पड़ी है, एक से 51 रुपया हम कहाँ दे उनके, मतलब ब्राह्मण लोग लूट रहे हैं। हाँ अयोध्या में ही हो रहा है। अच्छा मतलब आप काफी परेशान हो गए? हम परेशान नहीं है ना, मोदी से परेशान है आप? मोदी से ही परेशान है। फिर कैसे परेशान हैं आप? हम क्यों ना परेशान है, सारे भैंसा छोड़ दें खेत खा लें।
अच्छा साल भैंस से परेशान है आप और का जो खेत वो धान बोए रहने के बीघा हमें मान का लागत लगा खाद बोए और बाल जैसे कम नहीं काट दिए बांस वाला। अच्छा वो तो पुण्य का काम हो गया तो अब पुण्य का काम है तो ले जा चार बीघा बैठा खवाओ पुण्य का काम करा तब तो हम जानी। अच्छा मतलब खवाओ पुण्य का काम करा माइक छोड़ के जाकर यही करें पुण्य वाला काम बिल्कुल यही करें हाँ। पुण्य करा हाँ। जो चार बीघा बोवाई खवा जा खवावा सांड बुलवाए गाय बुलवाए खवाई दे हाँ गाय खवा दे वो पुण्य हुए तो हाँ। अच्छा 2000 रुपया ना लिए था आप के हम के हो ससुर 2000 रुपया ना लिए थे कौन सरकार हमें डाका मार के देते हैं कम अंतर देते हैं। नहीं नहीं सही डाका हम ही लोगों से मार रहे हैं तब जनता के जेब से ही पैसा आप पा रहे हैं पैसा तो आप मगरों लेके टहल रहे हैं नहीं, नहीं, ना पाते कुछ न टहलते देखिए नहीं बात आपको सही है अपने पेट के लिए हर कोई दौड़ता है बाबू जी बस वैसे जान ला बाबू जी आप बहुत सही बात करते हैं एकदम फार्म फार बात कर रहे हैं फार्म फार बात हम 2000 रुपया उनसे खिंचौनी बना ले छोड़ देंगे पैसा आप खिंचौनी वाला कागर खिदमत भी हम हैं। क्या नाम है श्रीमान आपका जुल्फिकर किस कैसा माहौल है यहाँ पर बताइए आप यहाँ पे जो है सपा ने जो है चुनाव जीता के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम मैं बम्बई से आया हूँ। अच्छा अच्छा जी माहौल समझने में टाइम लगेगा मुझे वाले और जानते हैं वो वाले तो और जानते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हम हाँ वोट देते हैं वो अलग चीज़ क्या लगता है कि बहराइच कांड से जो यहाँ का वोट होगा वो कुछ अलग मुतासिर होगा हाँ बदलाव मुतासिर होगा यार फर्क तो पड़ेगा भाई बहराइच वाले में फर्क तो पड़ेगा यार हाँ नहीं आप एक मुस्लिम होने तो क्या देखते इस मैटर को नहीं नहीं देखो किसी वर्ग का हो हमें उससे ताल्लुक नहीं है वर्ग हो देखो एक जैसा होना चाहिए सबके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए भाई जी जी। कोई भी कौम का हो हाँ गवर्नमेंट हमारी ऐसी हो। अच्छा अच्छा जी नहीं, क्या लगता है कि आप जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वोट के लिए कुछ कर रही हैं जी हाँ है ना कर रही हैं ना हाँ कर रही हैं भाई तो इससे आपका प्रेम कहाँ होगा तो वही बात है ना बिगाड़ रहे खुद ही बिगाड़ रहे तो उसमें हम कौन क्या पार्टी प्रेम बढ़ाएगी हा? कौन पार्टी अब ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है हमारे लिए तो सब बराबर है जी। अच्छा आपने आप कितनी उम्र हो चुकी है तमाम पार्टियों का आपने राज देखा होगा आ, देखा ना सत्ता में कांग्रेस कुछ हद तक ठीक है रही। अच्छा जी कांग्रेस ठीक थी हा? और अगर प्रदेश में बात करें तब हाँ वो भी ठीक तब भी और अच्छी रहेगी भाई सबके लिए ठीक है। अच्छा फिलहाल यूपी में किसकी होनी चाहिए सरकार सपा सपा की जी। अच्छा कांग्रेस नहीं सपा चाहिए आपको समझे नहीं आप हाँ। दोनों मिलकर ही लड़ रहे हैं अभी हाँ। फिलहाल लेकिन विवाद चल रहा है इस बार उपचुनाव में अब देखो भाई उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ हाँ, तो, विवाद है इस बार हाँ अब वो सीटों का मसला अलग है बाकी मैं तो वोट जो है तो जिसको देना है गठबंधन को अब देखो किसको देना है वो अलग चीज़ है वो वक्त आप कर रहे हैं वक्त बताएगा इंशाल्लाह। आइए यहाँ पर दो व्यक्ति और हैं थोड़ा सा बात करते हैं। वर्मा जी ने अपनी पत्नी को टिकट दिया है तो भावती वर्मा सहयोग दिया जाएगा भाई सहयोग दिया जाएगा जी जी। अच्छा मतलब यहाँ से जो है सभा पार्टी मजबूत दिख रही है मजबूत तो है उन्हीं के सपोर्ट में सब रहते हैं ना हमारे यहाँ के पूरे क्षेत्रीय। अच्छा हाँ और हमारे भाजपा कांग्रेस नहीं मतलब है ना कौनो पार्टी से कोई मतलब नहीं जो पार्टी काम कर रही है वही पार्टी है हमारे सबके लिए। कौन पार्टी काम कर रही है आपकी अभी यही कर रहे सब ही करते कोई भी ऐसा कोई काम नहीं भाई हाँ। हाँ। चाचा आपका क्या मत है मैं भी दूंगा वोट भाई इससे कोई बात नहीं है हमारे घर के समझ लो है। अच्छा वर्मा जी हाँ वर्मा जी अच्छा अच्छा हाँ आना जाना लगा रहता है यहाँ कोई प्रोग्राम रहता है कोई पार्टी रहती है किसी शादी विवाह रहता है अच्छा फुल सहयोग होता है मतलब अच्छे नेता है वो नेता तो अच्छे है ही है। अच्छा लगता है इस बार फिर बाजी वही मारेंगे हो सकता है भगवान की माया आप लोग जिसके ऊपर कृपा करेंगे बात बराबर है सब प्रभु करते हैं हाँ। हम लोग एक माध्यम हाँ, हाँ माध्यम है एक मार्गदर्शन लोग देते हैं भाई इनको सपोर्ट किया जाए उनको किया जाए यही सब बात है हाँ। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप समोसा बेच रहे हैं गर्मा गर्म और गर्मा गर्म बात करते हैं बताइए थोड़ा सा
नहीं नहीं बस आपका क्या मत है, आप क्या तमाम ग्राहक आते होंगे, क्या माहौल दिख रहा है? नहीं नहीं बात तो होता है, चुनाव की बात अक्सर चाय के दुकान पर समोसे की दुकान पर ही होती है। हम भैया एक सुनबे ना करें, हम अपने माहौल का ज्यादा करके सफाई लोग बैठे थे वही अपने बात करते हैं। सफाई लोग भाजपाई लोग नहीं आते हैं? बहुत कम। और बहुजन समाज के लोग? वो तो एकदम उनका नाम ही नहीं है। अच्छा बहुजन लोगों का नाम है नहीं है? अच्छा, तो देख सकते हैं ये चाय की दुकान चलाते हैं। क्या नाम श्रीमान आपका? रामचंद्र। रामचंद्र रामचंद्र जी का दुकान है और कह रहे हैं हमारे दुकान पर जितने भी लोग आते हैं सब सफाई है, सब लोग सपा के बारे में ही बात करते हैं। और भी हम क्षेत्रों में जाएंगे, चुनाव में किसका क्या माहौल है, किसका ग्राफ फूट रहा है, किसका ग्राफ गिर रहा है, तमाम मुद्दों पर तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।